वेस्टर्न रिसोर्ट, यहाँ पे रूम बुक है हमारा। पहुँच गए हैं रिसोर्ट और ये हमारा रूम है 401। और डॉक्टर साहब अंदर जा चुके हैं, ये डॉक्टर साहब लगे हुए हैं अरे पसीना आया हुआ है, बाल सुखा रहे थोड़ा सा। अच्छा, दर्शन करके आए हुए डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल शीशे में लगे हुए हैं। अरे शीशे में देख के ही तो देख रही हूँ भाई चीज है तो। और ये हमारा हाल देखो क्या है, गर्मी है, पूरा 1 बज गया भाई। ठीक है, और रूम दिखाते हैं चलो। ये थोड़ा सा ये है, काफी ठीक है, आराम करेंगे मिस्टर बीन की तरह। आपसे उछला भी नजर आ रहा ठीक है। वैसे कंपैरेटिवली ये कह रहे थे कि साइज कम है सर, बट ठीक है क्योंकि आज फुल है होटल। ये रूम हमें पड़ा है 3500 पर नाइट के लिए। ठीक है, तो मुझे दाम मिल जाए अच्छा ही लगता है। हाँ, और वॉशरूम दिखाते हैं इनका, ये वॉशरूम है भाई। ठीक है ना, चलो अब कुछ आराम करते हैं, फिर रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। कहाँ कुछ अलग सा और दे रखा है। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे सिटिंग काउच है देखो, और ये व्यू है पूरा, व्यू दिखाने के लिए सामने से। ठीक है, और ये इस साइड से। अच्छा, कॉफी और उसके लिए केटल भी है, इसका कुछ सामान भी है वहाँ पे नहीं? है ना। ये ठीक हो गया शेव के लिए, ये ठीक है। हम दो दो जगह हैं भैया, लंच के लिए निकल लिए डॉक्टर साहब। भूख लग रही है पूरी है, भूख लग रही है। 1 बज गया। अच्छा। वो थोड़े से वो 2-3 बार जो इन्होंने रास्ते में बार बार का बोला था ना, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, वही खाया था भाई। उसके बाद तो बस सुबह फ्रूट और फिर खेत में कॉफी। हाँ बस वही था। उसके बाद तो दर्शन के लिए निकल लिए, तो उसके बाद क्या है कुछ खाने को ही नहीं मिला है भाई। 1-1.5 घंटा तो मंदिर के अंदर ही लग गया। चलो इतनी गर्मी में खुद आए भाई, मतलब लंच करने खुद। रूम सर्विस भी है भाई, लेकिन हमने सोचा हमें गर्म गर्म ही अच्छा लगता है वैसे। भाई डॉक्टर साहब पहले रेट चेक करने लग रहे, पाव भाजी 120। सर 120 तो सही है पाव भाजी। हाँ तो ठीक ही है, मैं बता रही हूँ इतना ही। वो बीकानेर वाला है। हाँ भाई देखो, जाहिर सी बात है कोई कितना ही यूँ कहे, रेट तो दाल तड़का ही खाऊंगी मैं तो। एक हफ्ता लेना है एक एक दाल और एक कोई अच्छी सी कोई डिफरेंट चीज बोलो यार, क्योंकि हम वही रेगुलर सी चीजें खाते हैं। भाई आ गया लंच और डॉक्टर साहब टूट पड़े हैं। देखो कब के भूखे थे, कल के बोले तो कल फास्ट भी करते हैं। अच्छा, शाम को खाया। डिनर तो किया था रात, तो डिनर रात को ही होता है, फिर वैसे भी फास्ट था तो एक ही बार, उसके बाद भूख लगी हुई थी। ठीक है, सुबह से अभी खाना मिला है, आप भी शुरुआत कीजिए। ये मंचूरियन है और ये हमारी फेवरेट दाल तड़का है और ये हमारी सूखी रोटियां प्लेन। डॉक्टर साहब कराएं लंच, एंट्री है यहाँ से, और ये देखो पूल इनका है? हाँ वो 5.5 फीट गहरा कह रहे हैं। चलो शाम को आते हैं। लॉक कर दिया डॉक्टर साहब ने, सेंसर से लॉक द स्कैनिंग से। पूल सेशन के लिए चल पड़े डॉक्टर साहब, है तो गर्मी खूब सोए हैं ना, कल रात को नहीं सोए थे। मैं तो 1 सेकंड भी नहीं सो पाया, नहीं भी फोन पे लगे रहे सो तो जाते। गुरु। हाँ मैं रात को नहीं सोई थी, एक तो मुझे खांसी ने तंग कर रखा था, ऊपर से वैसे नींद नहीं आई, और ये लगे रहे फोन में, इसलिए नहीं सोई भी। मुझे अच्छी नींद आई नहीं सोई, मतलब के उसके लिए खाटू श्याम निकलेंगे सीधे। समर्स
कबूतर हैं हमारे यहाँ पे ना, भी बहुत सारे बर्ड्स कम होते जा रहे हैं, जैसे कबूतर वगैरह भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ इस होटल होटल पे कितने बैठे हैं। चुपचाप बैठ जाइए इधर। ये देखो भी बर्ड्स यहाँ पे पानी ढूंढ के बेचारे, ये इसलिए इसके आसपास ही आ रहे हैं। एक दो स्विमिंग और मौसम ठंडा ठंडा कर लिया, लेकिन बाहर निकलते ही गर्मी भी लगेगी। हाँ। और अब शाम के जो है दर्शन करने जाएंगे, शाम को आरती है वहाँ मंदिर में, मंदिर में आरती लेने जाएंगे। तो अभी नहा धो के फिर से पाठ पूजा की तरफ, पूजा पाठ पाठ। इन द बिगिनिंग इट वाज लाइक वी वर गुड टू ईच अदर, यस वी वर, एंड इन अ रूम फुल ऑफ पीपल वी लॉस्ट आवर साइट। शाम की आरती के लिए आ गए, और देखो लाइटिंग वगैरह बहुत सही कर रखी है सारी ना, डॉक्टर साहब खड़े हो गए लाइन में। ये शाम का नज़ारा है भाई यहाँ का ना, कितने रुपए का है? और ये ग्लासेस देखो, ये पूरी लाइन लगी हुई है, सब लग गए हैं गोलगप्पे की लाइन में। देखो श्री बालाजी पानी पूरी बहुत टेस्टी है क्या भाई। गोलगप्पे की लाइन में ज़्यादा रश था तो डॉक्टर साहब ने आइडिया बदल दिया, भेल पूरी खाए। भेल मुड़ी है ये? आइडिया नहीं है यार, भेल मुड़ी होता है, भेल पूरी होता है, एक ही बात है। अच्छा जय श्री राम जी सभी को। और वही आज जो है सालासर महाराज जी के दो बार दर्शन कर लिए हैं, और अब हम हैं श्री माता अंजना माई के मंदिर में, और इससे पहले श्री राम मंदिर भी हैं सामने इंद यहाँ पे, तो वहाँ भी दर्शन हो गए हैं बड़े अच्छे से, और मन खुश हो गया है, अपने मन की चाहत पूरी हो जाए। तो बस आज की यात्रा यहीं पर, कल मिलेंगे खाटू श्याम जी के मंदिर में। शुभरात्रि भाई। डिनर डॉक्टर साहब बहुत लाइट सा ले रहे हैं, क्योंकि दिन में इतना हो गया था, लंच बहुत हैवी हो गया था ना। तो अपन सोएंगे ठाट से, दोपहर में सोएंगे डॉक्टर साहब, तो मैं तो सो नहीं पाया, ठीक है। और सुबह चलेंगे खाटू श्याम जी के मंदिर, ठीक है। जय श्री राम जी सभी को, शुभरात्रि। भाई होटल बहुत पसंद आया यार हमें, बहुत अच्छा खाना है, और इतना रिगार्ड, और मतलब बहुत अच्छा स्टाफ भी बहुत सही है, अटेंटिव है, मतलब आप जाएंगे तो बंदा खड़ा हो जाता है, सिक्योरिटी वाले भी इतने सही हैं, और सर्विस भी, खाना भी, और बहुत मिनिमम रेट पे है जैसे, है ना। नॉर्मल जो हमारी अपनी सिटीज में है वही रेट है, बहुत ठीक रेट है बिल्कुल, और कोई अनाप शनाप रेट नहीं है, और आप रूम देख सकते हो कितना अच्छा है, ठीक है। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।